नमस्कार दोस्तों, मैट से रिलेटेड मैंने तीन सीरीज आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस की। अब ये चौथी प्रोबेबली फाइनल सीरीज है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैट की कंप्यूटेशन अब तक मोटा मोटी जो उसके पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके सामने रखे। अब कुछ अलाइड पॉइंट्स हैं जो मैट से रिलेटेड हमें डिस्कशन में लेकर के आने हैं, जैसे मैट का टैक्स ऑडिट से क्या लेना देना है, क्या टैक्स ऑडिटर को मैट के संदर्भ में कोई विशेष डिक्लेरेशंस देने हैं, कोई विशेष पॉइंट्स पर रिपोर्टिंग करना है। तो अगर आप कोई टैक्स ऑडिट के फॉर्म 3CD का रेफरेंस लेंगे तो उसमें मैट से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स पर चर्चा नहीं की गई है। इसका मतलब मैट फॉर्म 29B के फॉर्मेट पर चल रहा है और टैक्स ऑडिट नॉर्मल टैक्स कंप्यूटेशन में अपना कलर दे रही है। अब बात आई सर, जब हम ICDS की रिपोर्टिंग देते हैं 3CD के अंदर तो उसमें मैट का क्या प्रभाव लेकर के जाना है? तो सर, जहां तक ICDS की बात है, ICDS निश्चित रूप से बिजनेस प्रोफेशन और अदर सोर्स की इनकम से कलर लेते हैं और ICDS इनकम टैक्स की नॉर्मल लायबिलिटी के कंप्यूटेशन के साथ बैठना चाहिए उनकी रिदम। मैट पर उनका कोई प्रभाव नहीं आना चाहिए क्योंकि मैट इज कंप्यूटेड एज पर द बुक प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी विच इज डिस्क्लोज्ड बाय द कंपनी टू इट्स AGM। सो देयरफॉर सर, मैट की कंप्यूटेशन में मुझे ICDS का सीधा सीधा कोई लेना देना बैठता नहीं दिखता। एक और बात, मैट क्रेडिट सर, आप सबको मैट क्रेडिट के बारे में काफी नॉलेज है कि मैट क्रेडिट सर सरकार पहले 5 साल देती थी, फिर 7 किया, फिर 10 किया, 15 साल तक लेकर के चली गई है कि मैट क्रेडिट। ये थोड़ा सा हास्यास्पद है सर कि 15 साल मैट क्रेडिट एडजस्ट नहीं हो रही, सरकार पीरियड बढ़ाए जा रही है, शायद इसलिए ताकि कंपनियों को नुकसान ना हो। पर ये एक तरीके का ये भी मैसेज है सर कि आपको अल्टीमेटली मैट देना पड़ गया, वो आपकी फाइनल कॉस्ट हो चुकी है। खैर, इट इज योर फॉर्च्यून दैट अगर आप इन 15 सालों में मैट क्रेडिट को क्लेम कर लें। कब क्लेम कर पाएंगे? जब नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी मैट टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा है। तो यदि आपकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी मैट लायबिलिटी से ज्यादा नहीं है तो मैट क्रेडिट नहीं मिलेगी। और मैट क्रेडिट अराइज कब होगी? जिस ईयर में आपने मैट क्रेडिट यानी मैट टैक्स दिया है नॉर्मल के ऊपर। और क्रेडिट क्या है? मैट जितना नॉर्मल के ऊपर दिया वो क्रेडिट है। ये स्टेटमेंट आप बना लीजिए अलग से, उसे लेते चलिए, रिटर्न्स में भी दिख जाएगा। मैंने कई बार देखा सर के फॉर्मेट्स में, सॉफ्टवेयर्स में कहीं ना कहीं मैट क्रेडिट के फिगर डालने में, कैरी फॉरवर्ड करने में दिक्कत होती है जिससे आपकी रिटर्न पर उसका प्रभाव आता है। थोड़ा सा सर मेरा सजेशन है इसके प्रति सतर्क होकर के चलिए कि मैट क्रेडिट की सही राशि आप अपनी रिटर्न के अंदर क्लेम कर रहे हैं। तो मैट क्रेडिट जो भी आप लेंगे सर, वो अगले 15 साल में जिस ईयर में पहली बार जहां से मैट पैदा हुआ है वहां से उसके अगले 15 सबसीक्वेंट असेसमेंट ईयर में आपको मैट के संदर्भ में यदि कोई क्रेडिट बनेगी, क्योंकि आपका नॉर्मल टैक्स अगले 15 साल में मैट से ज्यादा है, जिस जिस ईयर में ज्यादा है उस ईयर में आपको ये मैट क्रेडिट एडजस्टमेंट के लिए मिलेगी और हर ईयर के लिए एक 15 साल की लिमिट चालू होती जाएगी। एक और बात, यदि हम मैट क्रेडिट लेते हैं और सब्सिक्वेंटली किसी असेसमेंट में, किसी पर्टिकुलर अपील में, रिवीजन में, रेक्टिफिकेशन में, हमारी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी में या मान लीजिए बुक प्रॉफिट के फिगर में चेंजेस आते हैं तो सर सेक्शन 115JAA जो मैट की कैलकुलेशन बताता है वो भी सर सब्सिक्वेंटली मैट के फिगर्स में, क्रेडिट के फिगर्स में चेंजेस लेकर के आएगा। तो ये बात भी हमारे को ध्यान रखनी है कि असेसमेंट्स का, अपील का, रेक्टिफिकेशन का मैट क्रेडिट पर निश्चित रूप से फर्क आता है। एक लास्ट बात सर, सेक्शन 10AA की कंपनी यानी सेज कंपनी, सेक्शन 80IA, IB, ICID क्लेम करने वाली कंपनी, सेक्शन 35AD डिडक्शन क्लेम करने वाली कंपनी, सेक्शन 32ACAD डिडक्शन क्लेम करने वाली कंपनी, इस तरीके की कंपनियों को भी क्या मैट के अंदर टैक्स देना है? ये मैंने हालांकि सीरीज 1 में बोलना था, मैं बोला नहीं स्पष्ट। हाँ सर, इन कंपनियों के ऊपर भी मैट टैक्स लायबिलिटी लगेगी। इनका जो नॉर्मल बुक प्रॉफिट आप कैलकुलेट करते हैं, जो भी AGM के सामने P&L रखा है उससे आप मैट निकालेंगे। स्पेशल डिडक्शन से हो सकता है इनकम नेग्लिजिबल हो गई हो, निल हो गई हो, लेकिन मैट तो इन कंपनियों को देना ही पड़ेगा। हाँ, सब्सिक्वेंटली यदि मैट क्रेडिट लेना चाहें तो ये कंपनियों को मैट क्रेडिट अवेलेबल होगी। सो आई थिंक कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपसे मैट से रिलेटेड किए हैं। यदि आपके कोई और क्वेरीज होंगी मैट से रिलेटेड तो मैं उन्हें आने वाले समय में उन पर चर्चा करने की या उन पर अपना समाधान देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस सीरीज को देखने के लिए। थैंक यू।